लॉकडाउन के बाद आज पहली बार पुंछ में पब्लिक ट्रांसपोर्ट खोली गई है, लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जाएगा और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को शहर के अंदर आने की इजाज़त नहीं होगी। अलग अलग जगह बनाई गई है जहां पर अलग अलग इलाके से आने जाने वाली गाड़ियां रोकेंगी। देखो, ये COVID-19 को लेके जैसे हमारे पिछले 3 महीने से रेगुलर हमारी पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद थी, तो अभी हायर अथॉरिटीज से जो ऑर्डर्स आए हैं उसके बेस पे हमारे DM पुंछ, उन्होंने ऑर्डर आगे फर्दर करा कि हमारी पब्लिक ट्रांसपोर्ट जिसको हमने आज यहाँ पे स्टार्ट किया है, जिनमें डिफरेंट डिफरेंट जगहों से लोग यहाँ पे शहर में आ सकते हैं या जा सकते हैं, कीपिंग इन व्यू जो हमारी गाइडलाइंस हैं। तो उन गाइडलाइंस में सबसे पहली बात यह है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट स्टार्ट करते हुए हमारे जो इनका किराया है, क्योंकि इनका सीटिंग अरेंजमेंट को कम करके कैपेसिटी 50% है, सिर्फ वो पैसेंजर 50% ही बैठा सकते हैं, उसके बेसिस पे 30% किराया इनका बढ़ाया है। जब तक इनका कोई अल्टरनेट नहीं होगा, आने वाले टाइम में अगर दोबारा से हमारी सारी सवारियाँ जाएंगी तो इनका किराया जो है फिर से वैसा ही रहना। रही बात यहाँ पे आज हमने ट्रांसपोर्ट स्टार्ट किया, कोशिश करी है शहर के अंदर पब्लिक ट्रांसपोर्ट को हमने बंद किया, उनमें जो हमारे साइड पे जितने स्टेशन थे, ये हमारा न्यू बस स्टैंड यहाँ पे है जो लॉन्च है, इसको हमने स्टार्ट किया। बस हमारी बसेज, मिनी बसेज, मैजिक और टैक्सीज भी रादर यहीं से चलती हैं। तो आज इन्होंने स्टार्ट कर दिया, उसमें हमने इनको गाइडलाइंस जो हमारी आई थी उनमें सबसे पहले के ड्राइवर जो है उसको लेके कि ड्राइवर ने डेली बेसिस पे गाड़ी अपनी सैनिटाइज करनी है, दूसरा मास्क पहन के चलना है, सैनिटाइजर बॉटल पास रखनी है, जो पैसेंजर्स बैठेंगे 50% उन लोगों को भी मास्क पहन के चलना है, और इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है। गाड़ी के अंदर तम्बाकू, गुटखा, चुटकी, च्युइंगम या स्मोकिंग ये बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, बाहर भी अलाउड नहीं है, कहीं थूकने अलाउड नहीं है, उसके बेसिस पे उनको फ़ाइन है जो हमारे DM साहब ने इम्पोज किया हुआ, वैसे वाला फ़ाइन यहाँ पे उनको होगा जो ऐसे गलत आदमी पाए जाएंगे ऐसा करते हुए। तीसरा, अब इनका जैसे किराया बढ़ाया, गाड़ियों में ड्राइवर कैबिन्स को लेके ड्राइवर कैबिन में पार्टीशन होगी बाकायदा, जो कि ड्राइवर के साथ कोई भी दूसरा पैसेंजर नहीं बैठेगा, ड्राइवर कैबिन में किसी की एंट्री नहीं होगी और पीछे 50% लोग ही बैठेंगे जो रूटीन में उनकी वैसा था। सो आज हमने स्टार्ट किया, हमारी पब्लिक बाहर से कुछ आ भी रही है तो कुछ लोग वापस जा भी रहे हैं, तो होपफुली अब इन ड्राइवर्स को भी हदायत अलग अलग दी गई है, क्योंकि पिछले 3 महीनों से जैसे हमारा पुलिस डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट या बाकी डिपार्टमेंट जो फ्रंट में आके लोगों की सेवा में लगे थे, तो आज मैं बोलूँगा कि मेरा ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट भी उसमें भी ड्राइवर्स ने भी आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना है और नियम का पालन करना है, और उम्मीद है कि सर यही बताएंगे कि जो मुफ्त जो मंडी रूट से या बाकी जो दिगवार का या खड़ी का या माल्टी का रूट है उसमें भी कुछ किस तरह की गाड़ियाँ कहाँ कहाँ? देखिए, वहाँ पे जैसे हमारे ये वाले डिफरेंट रूट्स हैं, इनमें मैक्सिमम मैजिक चल रहे हैं, स्टेज कैरेज, तो उनमें ही सिर्फ हमने 4 पैसेंजर्स ही अलाउड किए हैं, और जो हमारा माल्टी वाला एरिया है, अजोट वाला एरिया है, उनके अलग अलग स्टैंड वहीं पे बनाए हैं। जैसे माल्टी साइड से जितनी गाड़ियाँ आएंगी वो मिनी सेक्टर के बाहर हमने जगह बनाई है, वहाँ खड़ी होंगी। जो लोरन मंडी सादियाँ उस साइड से आती हैं, क्लाइंट ब्रिज चंडिक वाली साइड से, बांडी चेकी वाली साइड से, उनका हमारा सूखे कट्ठे में एक स्टैंड बनाया है। जो गाड़ी हमारी मेंढर से, स्वर्णकोट से, जम्मू से, राजौरी से या इंटीरियर हमारा पैंच है, कनेक्टर है, बाकी ये इलाके हैं, इन इलाकों की गाड़ियाँ जो भी सारी की सारी यहाँ पे एसके ब्रिज के बगल में न्यू बस स्टैंड तैयार किया गया है, जो आज हमारी गाड़ियाँ वहाँ लगी हुई हैं, आप उनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वो सब के सब यहीं से ऑपरेट होंगे।